No. Then we would be a family. All right, that's enough. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो मैं पहले ही हैंडमेड टेल्स के बाकी के एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और इसके पहले पार्ट पर तो 1 मिलियन व्यूज हो भी गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बाकी के पार्ट्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं द हैंडमेड टेल्स के 9th और 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके बाद में ये सीजन खत्म हो जाएगा और इसके बाद में इस सीरीज का दूसरा सीजन चालू होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उस सीजन को भी एक्सप्लेन करूँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा अपनी बेटी को किसी और के हवाले करना, और कोई कब तक गुलामी में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख सकता है। हिम्मत करके अकेले उठाए गए कदम में अगर दूसरे भी साथ दें तो क्या बड़े बड़ी अथॉरिटी से लड़ा जा सकता है, यही हमको आज की इस कहानी में पता चलेगा। तो पहले हम एपिसोड 9 को शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जहाँ पर सारी हैंडमेड्स जिस घर में हैना हैंडमेड है उस घर के बाहर आ जाती है, और एरिका भी वहाँ पर थी। और आज हैना पूरी तरीके से अपनी बेबी को अपने मालिक के हवाले करने वाली थी। पहले तो वो बेबी देने के लिए नहीं मानती है, लेकिन फिर मालिक स्टीव के समझाने पर वो उस बेबी को पूरी तरीके से उनके हवाले कर देती है। और उस देश के कानून के हिसाब से अब हैना का अपनी बेटी के ऊपर कोई भी हक नहीं था। हैना को अब नई जगह पर भेजा जाने वाला था, लेकिन हैना को अभी भी ये गलत फहमी थी कि स्टीव उससे प्यार करता है और वो उसके लिए वापस आएगा। लेकिन जून को पता था कि हैना को लास्ट में धोखा ही मिलने वाला है, और इसके अलावा कुछ नहीं। एरिका हैना को एक नई फैमिली के पास में सौंप देती है, और हैना ऐसा सोच रही थी कि एक बेबी देने के बाद में वो अब आजाद हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ बस एक झूठ था। उसे लगातार ऐसे बेबी को पैदा करना था। एरिका के समझाने के बाद में वो न्यू फैमिली के साथ में रहने के लिए चली जाती है, और कुछ टाइम के बाद में जून और जीना शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक और हैंडमेड लीला जून को इन्फॉर्मेशन देती है कि एक पार्सल आएगा जिसे उसको कलेक्ट करना होगा, और उसे उसी सीक्रेट सेक्स पार्टी में जाकर वहाँ पर मुरिया को ढूंढना होगा। जून पहले तो डर रही थी, लेकिन वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात के समय जून फ्रेड को अपनी बातों में फंसाती है ताकि वो उसे उस सेक्स पार्टी में लेकर जाए। फ्रेड भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है। और जब वे लोग कार से उस पार्टी की तरफ जा रहे थे, तब जून निक को ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो फ्रेड के साथ बहुत खुश है, जिसे देखकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहां पर पहुंचने के बाद में जून उस बार में जाना चाहती थी ताकि वो मोरिया से मिल पाए, लेकिन फ्रेड उसे अपने साथ में रूम में लेकर जाता है, और वो वहां पर दोनों इंटीमेट होते हैं, जो कि जून को जरा भी पसंद नहीं था कि वो फ्रेड के साथ में इंटीमेट हो, लेकिन फिर भी उसे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ये सब करना पड़ रहा था। अब इधर घर पर सेरेना और उसकी नौकरानी नीना बातें कर रहे थे, और दोनों ही अकेली थी तो दोनों के दिल की बात वो दोनों एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। नीना को 19 साल का एक बेटा था जो कि देश के इन वॉर के बीच में कहीं पर खो गया था, और कितना मुश्किल होगा एक माँ के लिए जब उसको पता भी ना हो कि उसका बेटा जिंदा है या मर गया है। अब इस तरफ हैना को सेक्स सेरेमनी के लिए रेडी किया जाता है, लेकिन इंटीमेट होने के बीच में वो गुस्सा होकर उठ जाती है क्योंकि उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। इधर हम देख पाते हैं कि फ्रेड को पता था कि जून यहाँ पर उसके साथ में इंटीमेट होने नहीं बल्कि मोरिया से मिलने के लिए आई थी, और जून और मोरिया को एक बार मिलने का मौका देता है, और फ्रेड उनको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देता है। मोरिया यहाँ पर जून पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि जून की वजह से दोनों की ही जान जा सकती थी, और आज जैसे फ्रेड को आसानी से जून की बातें पता चली, वैसे ही किसी और दिन अगर इससे भी बुरी बात पता चली तो उन दोनों को पता है कि उनके साथ में क्या हो जाएगा। जून मोरिया को फिर से एक मौका देती है वहां से भागने का ताकि वो जॉन से कनाडा में मिल पाए, लेकिन मोरिया को फिर से उसी भयानक टॉर्चर से नहीं गुजरना था। मोरिया के हिसाब से यही सही था कि अथॉरिटीज के सभी बातें मानी जाए और खुद को जिंदा रखा जाए। जून उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, और जून को अपने बेटे को ढूंढना था, लेकिन मोरिया में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। मोरिया वहां से चली जाती है जिससे कि जून बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी। फिर रात को जून को अपनी बेटी जॉन और मोरिया के साथ बिताए हुए टाइम के सपने आते हैं, और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सेरेना उसे जल्दी से उठाकर उसे रेडी करके एक पूल के पास में ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि हैना अपनी बेटी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसे आर्मिस देख लेती है, और तब वो ब्रिज के एकदम कॉर्नर पर खड़ी हो जाती है अपने बेबी को गोद में लेकर,
उस तब सभी बेबी की जान की फिक्र में हेना के पास में नहीं जाते हैं। जून हेना की दोस्त थी तो उसको हेना को समझाने के लिए लाया जाता है। जून हेना के पास में जाती है, उसको समझाती है कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा और एक दिन वे सब पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और उसे अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी बेटी को भी उसे जीने देना चाहिए। तब जून की बात समझकर हेना उसके हाथ में अपनी बेटी देकर उसका ख्याल रखने का कहती है और खुद वो नदी में छलांग लगा देती है और अपने दोस्त को ऐसे सुसाइड करता देखकर जून शॉक्ड हो जाती है। लेकिन समय रहते ही हेना को पानी से निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब सबको ये पता चल चुका था कि स्टीव ने एक हैंडमेड के साथ में सेक्स सेरेमनी से भी कुछ ज्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हेना को उसने झूठे प्यार में फंसाया, इसलिए स्टीव को आदमी साजा सुनाने के लिए अपने साथ में लेकर जाती है। सेरेना स्टीव की वाइफ हार्डी को यकीन दिलाती है कि वो उसके पति स्टीव को ज्यादा सजा मिलने नहीं देगी, पर यहाँ पर इन सब घटनाओं से हार्डी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में सेरेना को कह देती है कि उसको पहले अपने पति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी उसकी एक हैंडमेड ने सुसाइड कर लिया था। जिसे सुनकर सेरेना को फ्रेड पर शक होता है और फौरन घर जाकर फ्रेड के स्टडी रूम की तलाशी लेती है। इधर जून जब एक मीट शॉप पर गई थी तो वहाँ का वर्कर जून को मीट के साथ में एक पार्सल देता है और जून समझ जाती है कि ये लीला का हुआ पार्सल है। जून फौरन उस पार्सल को खुद से छुपा लेती है और एक जगह छुपकर वो देखती है उसमें मोरिया ने भी उसके लिए एक नोट छोड़ा था, मतलब कि मोरिया अब जून का साथ देने के लिए राजी थी। इधर दूसरी तरफ हमें मोरिया दिखाई देती है जो कि हथियार छुपाकर अपने मालिक और ड्राइवर को मारकर ड्राइवर की ड्रेस पहनकर वहां से कार लेकर भाग जाती है और इसी के साथ में एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 यहीं से शुरू होता है और हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर जून और बाकी सभी लड़कियों को पकड़कर हैंडमेड की ट्रेनिंग के लिए लाया गया था और वहाँ पर उनको बात नहीं मानने की सजा भी दी जाती थी। यहाँ तक कि सभी हैंडमेड के कान पर एक हथियार से निशान भी बनाया गया था जो कि सभी हैंडमेड्स के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जून उस पार्सल को बाथरूम में छुपा देती है। जून बाथरूम से बाहर आई रही थी कि तभी सेरेना वहाँ पर आकर उसको थप्पड़ मारती है जिससे कि जून का फोरहेड दीवार पर लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। सेरेना को पता लग चुका था कि फ्रेड जून के साथ में इंटीमेट होने के लिए उसको बाहर लेकर जाता था और सेरेना जून से फोर्सफुली प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है जिसमें जून प्रेग्नेंट भी निकल जाती है। सेरेना इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इतने दिनों के बाद में उसको बेबी की खुशी मिलने वाली थी। सीन कट होता है और रात को जून उसी टाइम को याद करती है जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और उसके साथ में जॉन भी था। अगेन प्रेजेंट टाइम में सेरेना स्टडी रूम में फ्रेड का वेट कर रही थी और फ्रेड जब वहाँ पर आता है तो कुछ बात करने के बाद ही सेरेना उसे बता देती है कि उसके और जून के बारे में सब कुछ पता है और जून प्रेग्नेंट भी है, लेकिन वो फ्रेड का बेबी नहीं है क्योंकि उसके अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति थी ही नहीं जिससे कि वो कोई बेबी पैदा कर पाए। फ्रेड को समाज के सामने मजाक बनने से रोकने के लिए सेरेना ने ही ये सब किया था और अब सेरेना फ्रेड की तरफ से जून के साथ में कुछ गलत नहीं होने देगी। वो नहीं चाहती थी कि जून के साथ भी पहले वाली हैंडमेड की जैसा कुछ हो और अब सेरेना को किसी भी तरीके से उस बेबी को सेफ रखना था। अगले दिन नीना भी बहुत खुश थी जून की प्रेगनेंसी से और नीना जून का पूरा ख्याल रख रही थी। नीना के जाने के बाद में वहाँ पर निक आता है और वो जून का हालचाल पूछता है। जून उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है जिसे सुनकर निक भी बहुत खुश था क्योंकि उस बच्चे का असली पिता वही था, लेकिन वो खुशी भी नहीं मना सकता था क्योंकि एक तरह से निक बाप होकर भी बेबी को बाप का नाम और प्यार नहीं दे सकता था। समय बीतता है और वहाँ पर सेरेना आकर जून को एक जगह पर ले जाती है, लेकिन इस बार सेरेना ने दूसरे ड्राइवर को अपने साथ में लिया था। जून को गाड़ी में ही छोड़कर सेरेना एक घर के अंदर चली जाती है और तभी जून कार से देखती है कि सेरेना उसकी बेटी के साथ में है और एक बार अपनी बेटी से बात करने के लिए जून बहुत तड़पती है। वो बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोलती है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता है और कुछ देर के बाद में सेरेना कार में वापस आती है। जून सेरेना को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि एक बार उसकी बेटी से उसे मिलने दे जाए, लेकिन सेरेना बस उसे एक ही बात कहती है कि जब तक उसका बेबी जून के पेट में सेफ रहेगा तब तक उसकी बेटी एलिजाबेथ भी सेफ रहेगी और यह सुनकर जून बहुत घबरा जाती है। इस तरफ स्टीव अपनी गलतियों की वजह से अथॉरिटी से माफी मांगता है और सजा के तौर पर स्टीव का एक हाथ काट दिया जाता है। रात को हम देखते हैं कि जून फ्रेड के पास में जाती है और उसकी बेटी को सेरेना से सेफ रखने को बोलती है। फ्रेड उसे यकीन दिलाता है कि सेरेना उसकी बेटी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जून को सेरेना पर जरा भी यकीन नहीं था। यहाँ तक कि जून को फ्रेड से पता चलता है
कि उसको भी पता है कि जून के पेट में उसका बेबी नहीं बल्कि निक का बेबी है। लेकिन फिर भी फ्रेड जून को ज्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो इससे फ्रेड की इज्जत खराब होगी। अब रात को जून उस पार्सल को खोलकर देखती है, जहाँ पर हमें बहुत सारे हैंडमेड के लेटर मिलते हैं जो उनसे मदद मांग रहे थे। और किसी ने अपनी बेटी तो किसी ने अपने बेटा तो किसी ने अपनी बहन को खोया था, और हर किसी के साथ में टॉर्चर और रेप हुआ था। उनको जानवर की तरह रखा गया था। और उन सब लेटर से जून को कुछ हिम्मत मिलती है सब कुछ बदल देने के लिए। सभी हैंडमेड के मन में वहां से निकलने की उम्मीद थी, और उनको बस एक साथ मिलकर हिम्मत जुटाना थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मोरिया सेफली कनाडा पहुंच गई है, और वहाँ की अथॉरिटीज उसका ख्याल रखती है। उसकी सारी जरूरत का सामान और उसे कुछ पैसे भी मोरिया को देते हैं। वहीं पर मोरिया को जॉन मिलता है, जिसको देखकर मोरिया बहुत खुश थी, और वो जॉन को जून के बारे में भी बताती है, और अब शायद जून भी वहाँ से निकल पाएगी। इस तरफ फ्रेड सेरेना से माफी मांगता है, जो कुछ भी उसने उसके साथ में किया उसको धोखा दिया और जून के साथ में अकेले गलत रिलेशनशिप रखा। सेरेना भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि औरतों का हक इस देश में था ही नहीं। वो माफ नहीं करती तो और क्या करती। अब अगले दिन जून बाकी हैंडमेड के साथ में एक जगह पर जाती है, जहाँ पर एरिका कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी। एरिका के कहने पर सभी हैंडमेड्स एक एक पत्थर उठाती है, और फिर वहाँ पर हैना को लाया जाता है। हैना का जुर्म यही था कि देश की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, एक बेबी, उसी को हैना ने खतरे में डालकर उसके साथ में सुसाइड करने की कोशिश की थी। और इस टाइम देश के लिए एक बेबी खोना बहुत बड़ी बात थी। एरिका अथॉरिटीज के कहने पर सभी लड़कियों को ऑर्डर देती है कि हैना को पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और सभी लड़कियां इस बात से हैरान थी। लीला तो इस बात पर आवाज उठाती है कि वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी, और तब एक आर्मी मैन आकर उसको बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद में जून सामने आती है इस बात का विरोध करने के लिए, और आर्मी उसे भी मारने वाले थे, लेकिन जून प्रेग्नेंट थी तो एरिका आर्मी को उस पर हाथ उठाने के लिए रोकती है, और जून अपना पत्थर एरिका के सामने फेंकती है। वो गुलामी में इस तरीके से नीचे नहीं गिर सकती थी कि किसी मासूम का पत्थर मारकर उसे मार डाले। जून को देखकर बाकी लड़कियों में भी हिम्मत आ जाती है, और वे सभी भी अपना पत्थर वहीं पर रख देती है और हैना को नहीं मारती है। सभी लड़कियों ने जो कदम मिलकर हैना के लिए उठाया था, उसे देखकर हैना की आंख में आंसू आ जाते हैं, और एरिका उनको घर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन साथ में उनको ये भी याद दिलाती है कि अथॉरिटीज की बात नहीं मानने का अंजाम उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। अब घर आने के बाद में कुछ अथॉरिटीज के लोग जून को लेने के लिए आए थे, और निक जून को उस पर भरोसा रखने का बोलकर उसे उन लोगों के साथ में चले जाने को कहता है। जून भी उनके साथ में जाने लगती है, और जून प्रेग्नेंट थी तो सेरेना और फ्रेड उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो जून को नहीं ले जाए, लेकिन यहाँ पर जून खुद ही उन अथॉरिटीज के लोगों के साथ में चली जाती है, और शायद इसी तरीके से जून अपने किसी काम को आगे बढ़ाएगी। और अब जब वो प्रेग्नेंट है तो उसको कोई चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और ना ही कोई उसे सजा दे सकता था। और इसी के साथ में इस सीजन का आखिरी एपिसोड भी खत्म होता है। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि एक हैंडमेड से बेबी मिल जाने के बाद में उससे बेबी छीन कर उसे घर से निकाल दिया जाता है, और उसका अपने ही बेबी पर कोई भी हक नहीं रहता है, और उसको फिर से एक नई फैमिली के साथ में भेज दिया जाता है वही सब टॉर्चर और रेप से गुजरने के लिए। और अगर कोई हैंडमेड कोई गलती भी करे तो उसको भयानक से भयानक सजा दी जाती है, ताकि वही इससे बड़ी गलती अगर कोई अमीर आदमी करे तो उसको इतनी भयानक सजा नहीं दी जाती है। स्टीव का हाथ काट तो दिया गया था, पर उसको बेहोश करके ताकि उसे दर्द महसूस नहीं हो। तो वहीं पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर मोरिया भी उस नरक से निकल गई थी। उन लेटर से हमें पता लगता है कि और भी ऐसी कई सारी हैंडमेड्स हैं जो कि मिलकर लड़ना चाहती है। और आज जैसे सभी हैंडमेड ने मिलकर हैना की जान बचाई, वैसे अगर हैंडमेड मिल जाए तो वे सभी अपनी पुरानी आजाद जिंदगी को वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द हैंडमेड टेल सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। तो इस सीरीज की आगे की कहानी कंटिन्यू होगी इसके सेकंड सीजन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि आपके साथ साथ मैं भी जान पाऊं कि जून और बाकी की हैंडमेड्स इस नरक से निकलने के लिए क्या कदम उठाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।